हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17, ईवीएस का डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी हिंदी में कहते हैं इसे दिशा। तो आइए हमारे साथ लर्न कीजिए। इन द मॉर्निंग द सन राइज इन ईस्ट, यानी सुबह का जो सूरज उगता है वो ईस्ट से उगता है। तो ईस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पूरब, पूरब दिशा हिंदी में। इन द इवनिंग द सन सेट इन द वेस्ट, वेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिम, यानी सूरज हमारा उगता है पूरब से और ढलता कहाँ है? पश्चिम से। ठीक है, ये देखिए लड़की यहाँ खड़ी है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। ओके, आइए। इफ़ यू फेस द सन एट सनराइज वी आर द फेसिंग द ईस्ट डायरेक्शन, यानि हमारा जो सन उगता है, सनराइज यानि सन का मतलब सूर्य देव का उगना, यानि सूर्य देव हमारे कहाँ से उगते हैं? ईस्ट से। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूरब दिशा। डायरेक्शन बिहाइंड अस इन द वेस्ट, टू आवर लेफ्ट इज द नॉर्थ एंड टू आवर राइट इज द साउथ। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द फोर मेन डायरेक्शन, यानि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये हमारे फोर डायरेक्शन है। नॉर्थ को हम बोलेंगे उत्तर दिशा, साउथ को हम बोलेंगे दक्षिण, ईस्ट को हम बोलेंगे पूरब और वेस्ट को हम बोलेंगे पश्चिम। ठीक है बच्चों, वी द फॉलो डायरेक्शन इन आवर ऑर्डर टू गो टू प्लेस फॉर फ्रंट बिहाइंड लेफ्ट एंड राइट आर द कॉमन वर्ड्स वी यूज टू लोकेट समथिंग आवर सम प्लेस, यानि हम अपने कॉमन वर्ड्स में बोलेंगे कि अगर जनरली किसी को नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट समझ भी नहीं आता है तो उसे हम कैसे बोलते हैं? राइट, लेफ्ट, फ्रंट और बैक। ओके, सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम, ये अब हमारे पास क्लासरूम है, इसमें क्या, कैसे, कहाँ, कौन सी वस्तु है, बच्चे कहाँ बैठे हैं, टीचर कहाँ बैठी है, ये सब इसमें मेंशन किया है। ओके, सिटिंग इनसाइड द क्लासरूम वी कैन से दैट द टीचर इज इन द फ्रंट, यानि क्लासरूम में टीचर हमारे सामने बैठी है, सामने बैठी है यानि फ्रंट, फ्रंट में टीचर सिटिंग है। ओके, द कबोर्ड इज टू आवर लेफ्ट, अब ये कबोर्ड कहाँ है? हमारे लेफ्ट साइड में है। ओके, एंड द विंडो इज द आवर राइट, द ब्लैक बोर्ड इज द बिहाइंड द टीचर, यानि टीचर के पीछे ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अपना विंडो है। ओके, हेंस वी मस्ट लर्न टू यूज टू राइट वर्ड गिव इन द फॉलो डायरेक्शन, यानि हमें इसमें बताया है कि हमें इसमें अपने सही दिशाओं के बारे में जानकारी, ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड है यानि सीधे हाथ की ओर, ये लेफ्ट साइड है यानि उल्टे हाथ की ओर, टीचर हमारे सामने बैठी है और टीचर के पीछे है ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर है, वी फॉलो द डायरेक्शन इन द ऑर्डर टू गो टू अ प्लेस, यूजुअली वी यूज डायरेक्शन लाइक लेफ्ट, राइट एंड स्ट्रेट, यानि हम हिंदी में यूजुअली किसी को क्या क्या होता है, जनरली साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ पोल ये सब नहीं समझ में आता है तो लोग क्या यूज़ करते हैं? राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, यानि हमारे दाएं, बाएं, आगे और पीछे। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन का चैप्टर कंप्लीट। ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट चैप्टर था जिसमें खाली हमें अपने दिशाओं के बारे में बताया। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना बच्चों कि सनराइज यानि सूरज की जो उगने की दिशा है वो पूरब की तरफ है और ढलने की दिशा पश्चिम की तरफ है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। व्हाट कॉमन वर्ड्स वुड यू यूज टू डायरेक्शन योर फ्रेंड टू लोकेट समथिंग, यानि हम कॉमन वर्ड्स यानि नॉर्मली कॉमन वर्ड्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो कॉमन वर्ड्स देखिए इसमें क्या कहाँ पर है। अब हम लोग यहाँ पे
आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यूजुअली वी यूज डायरेक्शन लाइक लेफ्ट राइट एंड स्ट्रेट। तो ये वाला आंसर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। ओके, सेकंड, विच आर द फोर मेन डायरेक्शन। अब हमारे फोर मेन डायरेक्शन क्या है, तो हमारा फोर मेन डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये है हमारे फोर डायरेक्शन। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हो गया सेकंड। ओके, और ये है फर्स्ट। अब आता है फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। द सनराइज इन द डैश एंड सेट इन द डैश। हमारा सनराइज कहाँ से उगता है और कहाँ को सनसेट होता है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ईस्ट एंड वेस्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नाउ द इमेज यू आर फेसिंग द सन एंड सनराइज, द नेम फॉलोइंग डायरेक्शन टू योर लेफ्ट विल बी द। अब आपके लेफ्ट की तरफ क्या है, ये देखिए, ये है लड़की का राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड की तरफ क्या है, नॉर्थ, ये ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, नॉर्थ ईस्ट। टू योर राइट विल बी द, टू योर लेफ्ट विल बी द नॉर्थ, बिहाइंड यू विल बी द वेस्ट, एंड योर राइट विल बी द, अब राइट में क्या है, ईस्ट। तो यहाँ पर आंसर आएगा ईस्ट। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इजी एंड छोटा है। तो चैप्टर नंबर 17 डायरेक्शन। बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बच्चों।